बिग बॉस OTT3 में तीन लोगों के बाहर होते ही एल्विश यादव ने लिया टॉप थ्री का नाम, बताया कौन जीत सकता है इस सीजन की ट्रॉफी। एलिमिनेशन के अलावा वीकेंड का वार में बिग बॉस OTT2 के विनर एल्विश यादव और फैजल शेख पहुंचे, जिन्होंने एक अलग ही माहौल बना दिया। ऐसे में अब एल्विश ने बताया कि कौन से तीन कंटेस्टेंट विनर बन सकते हैं। बिग बॉस OTT3 वीकेंड का वार काफी धमाकेदार रहा। इस सीजन में पहली बार एक साथ तीन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। शो से तीन स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के बाहर होते ही फैंस काफी हैरान हुए। शो से इस वीकेंड का वार में पहले दीपक चौरसिया को बाहर किया गया, इसके बाद सना सुल्तान और वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाले अदनान शेख को बाहर किया गया। अदनान महज एक हफ्ते ही घर में टिक पाए। एलिमिनेशन के अलावा वीकेंड का वार में बिग बॉस OTT2 के विनर एल्विश यादव और फैजल शेख पहुंचे, जिन्होंने एक अलग ही माहौल बना दिया। ऐसे में अब एल्विश ने बताया कि कौन से तीन कंटेस्टेंट विनर बन सकते हैं। एल्विश यादव ने बिग बॉस OTT3 में जाकर अपने दोस्त लवकेश कटारिया को फुल सपोर्ट किया। शो में एल्विश और फैजल शेख के बीच काफी बवाल भी देखने को मिला। दोनों ने एक दूसरे को जमकर रोस्ट किया। इसी बीच एल्विश ने बिग बॉस OTT3 के लिए एक इंटरव्यू में बात करते हुए कौन इस सीजन की ट्रॉफी जीत सकता है ये बताया। एल्विश से पूछा गया कि आप टॉप थ्री में किसको देख रहे हैं। इस पर एल्विश ने बिना देरी किए अपने फेवरेट और तीन स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के नाम लिए। इस पर एल्विश ने कहा कि टॉप थ्री में मैं देख रहा हूं लवकेश कटारिया को, सना मकबूल को और विशाल पांडे को। एल्विश अब अपने दोस्त का नाम ना लेते ऐसा हो सकता था। हालांकि उन्होंने रणवीर शौरी और साई केतन का नाम नहीं लिया, जबकि उन्हें भी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर देखा जा रहा है। बिग बॉस OTT3 से बीते वीकेंड का वार में पत्रकार दीपक चौरसिया के बाद सना मकबूल और अदनान शेख को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसके अलावा शो से वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका जोशी भी निकल गई। चंद्रिका दीक्षित के निकलने के बाद टैरो कार्ड रीडर मुनीश खटवानी और पौलमी दास, पायल मलिक और नीरज गोयल का सफर भी खत्म हो गया था। ऐसे में अब घर में साई केतन राव, अरमान मलिक, कृतिका मलिक, शिवानी कुमारी, सना सुल्तान, विशाल पांडे, लवकेश कटारिया और रैपर नेजी के बीच कांटे की टक्कर है। अदनान ने शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ली थी। फिलहाल जीतने वालों के नामों के कयास लगाए जा रहे हैं। अब जीतता कौन है ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल आप ये बताइए कि आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।